हर कंपनी की कार की यहाँ सर्विस होती है, जो भी लग्जरी कार से लेकर हर कंपनी, होंडा हो, सुजुकी हो, फोर्ड की हो, कोई भी कंपनी हो, सब कंपनी की होती है। महीने में हम लोग तो अभी कम से कम 8-10 गाड़ी बना चुके हैं अभी 15-10 दिन के अंदर। BMW, ऑडी, मर्सिडीज सब था हमारे पास। हर डिपार्टमेंट के अलग, वॉशिंग तक का अलग अलग मेरे पास, जो भी डिपार्टमेंट है उसके सारे एक्सपर्ट अलग अलग हमारे पास। यही कारण है कि हम लोग बेहतर सर्विस दे पाते हैं। मैक्सिमम 1 से 2 दिन में कितना भी बड़ा सा बड़ा काम हो हम लोग करके उसको दे। ये कारण था कस्टमर को क्या चाहिए, जल्दी सर्विस मिल जाता है, अच्छा सर्विस मिल जाता है। वो किसी के पास नहीं, लेकिन हमारे पास है। अगर हम BMW का कोई छोटा ऐसा सामान भी डाल रहे हैं ना, उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, वो स्कैनर से ही होता है, वो सब जगह उपलब्ध नहीं है। तो मतलब यहाँ मारुति से लेके मर्सिडीज तक सबकी सर्विस, सब लग्जरी गाड़ी जितनी हो धरती पे, जितनी चलने हो, जेगुआर वेगुआर जो, सब की सर्विस करते हैं, सब A to Z काम। सेटिस्फेक्शन में ये होता है कि कस्टमर अगर किसी शोरूम में जाता है किसी गाड़ी को लेकर, तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। एक छोटे से काम के लिए उसको टाइम देना पड़ता, हमारे पास वैसा है नहीं, क्योंकि टीम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। नमस्कार, अभी हम कार हब सर्विस सेंटर के वर्कशॉप में मौजूद हैं। क्या क्या सर्विसिंग यहाँ होती है और क्या सर्विसेज है जो ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो देखने के लिए अभी हम खुद यहाँ सर्विस सेंटर में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ कार्स की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर आपको हर ब्रांड, हर मॉडल की कार्स नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ मारुति से लेकर मर्सिडीज तक हर गाड़ी की सर्विसिंग की जाती है। यहाँ पे गाड़ियों की हर वक्त लाइन लगी रहती है, क्योंकि यहाँ जो सर्विसेज मिलते हैं एक कस्टमर को, वो शायद ही पटना के किसी और सर्विस सेंटर में मिल पाते होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और उसकी सर्विसिंग का काम चालू है। हम यहाँ पे बात करते हैं, किसी से पूछते हैं कि यहाँ काम कैसे होता है। यहाँ पे हर तरीके की कार की सर्विसिंग होती है या कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स की ही सर्विसिंग करते हैं आप लोग? हर कंपनी की कार की यहाँ सर्विस होती है मैम, जो भी लग्जरी कार से लेकर हर कंपनी, होंडा हो, सुजुकी हो, फोर्ड की हो, कोई भी कंपनी हो, सब कंपनी की होती है यहाँ पे। जी, किस तरीके से आप सर्विसिंग करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी कार्स खड़ी हैं, तो कितने स्टाफ लगते हैं और क्या मशीन्स हैं आपके पास अवेलेबल ये सारे सर्विसिंग के काम के लिए? यहाँ पे मैम हमारा जो काम है ऑलराउंडर काम, मतलब कि वायरिंग से लेके इलेक्ट्रिक जो भी काम होता है, रेंट पेंट से लेके सब काम, सारा काम होता है हमारे यहाँ पे। जैसे एसी का काम अभी हम कर रहे हैं गाड़ी में, एसी का काम, मैकेनिकल काम, इंजन का काम, वो सारा काम यहाँ पे होता है। और सर्विस के लिए अभी कार में भी हम लोगों ने ऑफर रखा हुआ, कोई भी गाड़ी आता है हमारे पास तो पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी, सबके लिए ऑफर है 3499। सुजुकी की कोई भी गाड़ी हो उसका हम ऑफर रखे हैं 3499। उसमें सारा काम होता है A to Z, जो भी सर्विस में होता है टोटल काम हम लोग करते हैं उसमें जी। सर्विस में जितना चीज़ होता है जी। पेट्रोल गाड़ी, आपके पास क्या ऐसी आधुनिक कुछ मशीन्स अवेलेबल है जिससे ये काम आसान होता है, जो आप यूज़ करते हैं कार की सर्विसिंग के लिए? हमारे पास मैम मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास स्कैनर है, जो कार में स्कैनर ही चाहिए। एक लैपटॉप मशीन होता है जो कोडिंग से लेके कार में कैसा सिस्टम होता है कि एक ही कोड आता है, उससे हर सुविधा पता चलता है कि गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या ECM BCM जो भी हो सारा पता चलता है स्कैनर से। अगर हम लग्जरी कार हमारे पास आता है कहीं पटना में कोई भी जगह, सामान तो सब लगा लेता है, लेकिन उसके पास मशीन नहीं कि कोडिंग करने का, उसके बाद डाटा आता है, डाटा का मतलब बहुत महंगा उसका ही आता है, प्रोग्रेस आता है, वो किसी के पास नहीं, लेकिन हमारे पास है। अगर हम BMW का कोई छोटा ऐसा सामान भी डाल रहे हैं ना, उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, वो स्कैनर से ही होता है, वो सब जगह उपलब्ध नहीं है जी। तो लगभग जैसे कि यहाँ तो बहुत सारी कार्स रोज़ सर्विसिंग के लिए आती होंगी, तो आप अपने कस्टमर्स को कब तक उनकी कार की सर्विसिंग करके उन्हें वापस लौटा देते हैं? हमारे पास गाड़ी आती है मैम सर्विस कर रहता तो 4 व्हील में 3 से 4 घंटा तो लगता ही है। अगर बड़ा काम हो तो कस्टमर को हम टाइम ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास कस्टमर आया तो हम उसको रोक लिए 5 दिन, नहीं, हम उसको पहले ही बता देते हैं, फोल्ड निकाल के गाड़ी टेस्ट करके कि हाँ आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा। अगर AC का काम हो, अगर नॉर्मल से काम है जैसे बाहर का काम हो, तो हम बोल देते हैं उसको आज भर हो जाएगा शाम में। अगर डैशबोर्ड खोलना हो, बहुत ज़्यादा फुल AC का काम करना हो, तो 2 से 3 दिन लगेगा। कस्टमर को पहले सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ आपको काम कराना, वो बोलते तो ही हम 4 दिन 5 दिन जो भी लेना कस्टमर से पहले बात कर लेते हैं जी। तो आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन का पूरा ख्याल रखते हैं? जी मैम, कस्टमर का तो रखना ही पड़ेगा ना, वो अगर खुश नहीं है तो हम काम करके कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा वो आएगा ही नहीं जी। ये देखिए आगे आइए, बताते हैं सब गाड़ी का काम हो रहा है।
ये रहा, ये आते हैं इस समय ECM VCM का प्रॉब्लम है, अभी काम चल रहा है, ECM बनाने के लिए भेजे हैं, ECM रिपेयरिंग में आ रहा है। ये एक फोर्ड की गाड़ी है, इसका आधा इंजन का काम है, अभी हेड वेड खुलना चालू हुआ है, अभी इसका हेड निकालना है, हेड गैसकिट वैसकिट का प्रॉब्लम है ये, और एक सामने गाड़ी पड़ी है। महीने में हम लोग तो अभी कम से कम 8-10 गाड़ी बना चुके हैं, अभी 15-10 दिन के अंदर BMW ऑडी मर्सिडीज सब था हमारे पास, अभी नॉर्मल सा गाड़ी काम है, ये सब काम करके जल्दी जल्दी हम लोग को निपटाना है जी। तो मतलब यहाँ मारुति से लेके मर्सिडीज तक सबकी सर्विस, सब लग्जरी गाड़ी जितनी हो धरती पे, जितनी चलने, जगुआर वेगुआर जो, सबकी सर्विस करते हैं जी, सब A to Z काम। अभी हमारे साथ कार हब सर्विस सेंटर के ओनर रणवीर सिंह मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार सर्विस सेंटर में ऐसा क्या वो अलग प्रोवाइड कर रहे हैं जो दूसरे पटना के सर्विस सेंटर्स में नहीं मिलता है। जी धन्यवाद आपके पूरे चैनल को मैडम। सबसे पहला तो ये कि जितने भी वर्कशॉप हैं हमारे सिवा, वेल इक्विपमेंट नहीं उनके पास जो प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाए कार को, तो वो सबसे बड़ी चीज़ तो टूल्स है। मैं हमारे पास हर कंपनी के टूल्स अलग अलग हैं जो हम लोग सही डायग्नोसिस पे जा पाते हैं और सही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए सबसे अलग हम लोग हैं जी। तो अब इतने बड़े सर्विस सेंटर को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम भी लगती होगी, तो ये टीम आप स्पेशलाइज्ड टीम कैसे चुनते हैं, क्योंकि और भी सर्विस सेंटर्स में आप जैसा कह रहे हैं कि आपके पास जो टूल्स है वो और जगह नहीं है, तो इन टूल्स को मैनेज करने के लिए भी कोई स्पेशलाइज्ड टीम होगी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सब डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। सपोज़ कीजिए कोई मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के जो एक्सपर्ट हैं वही हमारे पास हैं, कोई 15 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है जो टेक्नीशियन है, जो कहीं ऑडी में था या कहीं होंडा में था, उसको हम लोग बुलाते हैं। उसी तरह बॉडी शॉप के लिए अलग है, हर डिपार्टमेंट के अलग, वॉशिंग तक का अलग अलग मेरे पास है, जो भी डिपार्टमेंट है उसके सारे एक्सपर्ट अलग अलग हैं हमारे पास। यही कारण है कि हम लोग बेहतर सर्विस दे पाते हैं। अगर कोई टेक्नीशियन टेक्निकल काम होता तो सिर्फ टेक्निकल टीम उसमें जाता है, तो ये बेहतर काम होता है। अब हर ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी या कोई भी टेक्नीशियन किसी भी पार्ट को टच कर देता, वो नहीं, ऐसा नहीं होता, ये काम है। आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ध्यान कैसे रखते हैं? बस यही है, अब अच्छा सर्विस देते हैं हम लोग, अच्छा अगर उसको हम लोग गाड़ी बना के देते हैं तो उससे यही सर्विस है हमारा, अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छे हमारे एडवाइजर्स हैं, तो वो अच्छा सर्विस ध्यान रखते हैं हमारे हर कस्टमर का, क्या क्या होना चाहिए उसके साथ। तो जब कस्टमर, सबसे बड़ी चीज़ है कस्टमर, सर गाड़ी अच्छी बन जाती है कस्टमर ऑलरेडी सर्विस सेटिस्फाई हो जाते हैं, है क्या कि जितने भी आप सेटिस्फैक्शन की बात, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बात होती है, सेटिस्फैक्शन में ये होता है कि कस्टमर अगर किसी शोरूम में जाता है किसी गाड़ी को लेकर, तो वहाँ भीड़ लगी रहती है, एक छोटे से काम के लिए उसको टाइम देना पड़ता, हमारे पास वैसा है नहीं, क्योंकि टीम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और हर डिपार्टमेंट में 5-7 लोग हैं, तो होता क्या आया गाड़ी और हम इमीडिएट निकालते हैं उसको, मैक्सिमम 1 से 2 दिन में कितना भी बड़ा सा बड़ा काम हो हम लोग करके उसको देते हैं। ये कारण था, कस्टमर को क्या चाहिए, जल्दी सर्विस मिल जाता है, अच्छा सर्विस मिल जाता है, शोरूम की अपेक्षा यहाँ कम प्राइस में मिल जाता है, ये उनको सेटिस्फेक्शन होता है। और कस्टमर आप देख ही रहे होंगे गाड़ी काफ़ी लाइन लगी हुई है ये। अभी हमने बात की कार हब सर्विस सेंटर के ओनर रणवीर सिंह जी से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, जिसका कारण है कि कस्टमर्स की गाड़ी में कोई भी दिक्कत होती है, छोटी से बड़ी दिक्कत को लेकर भी वो इसी सर्विस सेंटर में आते हैं, जबकि पटना में बहुत सारे सर्विस सेंटर मौजूद हैं, लेकिन जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन उन्हें यहाँ मिलती है वो किसी और सर्विस सेंटर में नहीं मिल पाती है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देसवा न्यूज़।